हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और स्क्रिप्ट लिखने का सही तरीका क्या है। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो भाई वीडियो बनाने से पहले हमारे माइंड में क्या आता है, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखें वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ, या जब कोई भी म्यूजिक वीडियो या फिल्म या शॉर्ट फिल्म या सीरीज जब अपनी प्लान करते हैं तो भाई उससे पहले हमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। या हम यूट्यूब पर कुछ वीडियो बना रहे हैं तो भाई हमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब स्क्रिप्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है, जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो भाई स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम विदाउट स्क्रिप्ट आपको कोई भी टॉपिक्स पर बताएंगे तो भाई आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं रखोगे हमको सुनने में। और अगर हम वही चीज एक स्क्रिप्ट के साथ बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, तो शायद आपको इंटरेस्ट आएगा कहीं ना कहीं वीडियो देखने में। तो भाई स्क्रिप्ट बहुत मेन पॉइंट होता है, एक मेन पिलर होता है किसी भी वीडियो का। तो स्क्रिप्ट बहुत जरूरी होती है। अगर कोई भी म्यूजिक वीडियो होती है भाई अपनी वो शूट करते हैं तो उनकी प्रॉपर एक स्क्रिप्ट होती है। उनकी स्क्रिप्ट का ये तरीका होता है, उनका ऑडियो की एक अलग स्क्रिप्ट होती है और विजुअल्स की मतलब वीडियो की एक अलग स्क्रिप्ट होती है। कोई एक लाइन जैसा आएगी, मतलब कोई एक गाने की एक लाइन है, उसको कहाँ पर शूट करना है और क्या लोकेशन रहेगी उसकी, वो सब उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर लिखा रहता है। अगर एक म्यूजिक वीडियो की बात कर रहा हूँ तो भाई ये इसलिए लिखी जाती है क्योंकि अगर विदाउट स्क्रिप्ट हम अब मैं हूँ अगर विदाउट स्क्रिप्ट आपके सामने मैं बोलूँगा किसी एक टॉपिक पे, चलो यही मैं मान लेता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखने का सही तरीका क्या है। अगर मैं इसी टॉपिक पे बोलूँगा विदाउट स्क्रिप्ट लिखे तो भाई मैं फंबल कर जाऊँगा, ये मतलब वर्ड ही भूल जाऊँगा जो मेरे माइंड में थे कि हाँ मैं ये पॉइंट्स बताऊँगा आपको, वो माइंड में ही नहीं रहेंगे जब तक मैं उसको स्क्रिप्ट में नहीं लिखूँगा। अगर मैं बीच में भूल भी जाता हूँ तो भाई स्क्रिप्ट का ये बेनिफिट होता है कि हम उसको देख सकते हैं। तो हम स्क्रिप्ट में देख लेते हैं कि हम अब नेक्स्ट किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो भाई स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है हमारी वीडियो के अंदर। अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूं तो भाई मैं मीडिया बैकग्राउंड से हूं और आफ्टर 12th मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किया था। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिप्लोमा किया था तो मेरे को वहां पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वीडियो एडिटिंग एंड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कंटेंट राइटर्स। कंप्लीट मतलब मेरे को 4-5 चीज़ों पर वहां पर वर्क करने को मुझे मिला, मतलब नॉलेज वहां पर हर चीज़ की मिली मेरे को। लेकिन ये है कि हाँ कहीं ना कहीं हमें एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसी को लेकर के हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं। तो भाई मैंने सबसे तो जो मैंने वहां पर सेलेक्ट किया था वो था वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो भाई मैं वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूं और साथ ही साथ नॉलेज तो मेरे को कंटेंट राइटर की भी है, स्क्रिप्टिंग मतलब कैसे की जाती है, कोई भी आप एक टॉपिक दोगे तो भाई मैं स्क्रिप्टिंग उसकी कर दूंगा। क्योंकि अगर जो मैं न्यूज की बात करूं, न्यूज के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखने का तरीका होता है वो है 5 W's 1 H, जिसको WH फैमिली भी बोलते हैं। जैसा मतलब कोई भी सीन हुआ कहीं भी किसी भी लोकेशन पे, तो मतलब उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जब तक 5 W's 1 H ना हो तो भाई वो स्क्रिप्ट कंप्लीट ही नहीं होती। मैं 5 W's 1 H के बारे में बताता हूँ, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, विद, मतलब ये WH फैमिली जो होती है कंप्लीट, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसके द्वारा, ये सब जब तक एक स्क्रिप्ट में ना आए जब तक एक स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं होती। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम यूट्यूब के बारे में भी कोई अपडेट्स दे रहे हैं या YouTube से रिलेटेड भी हम कोई टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं तो भाई उसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा हम मतलब कब हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, अगर हम ये 5 W's 1 H उसके अंदर इंक्लूड करें अपनी स्क्रिप्ट के अंदर तो भाई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हमारी बनेगी और एक अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। आप भी 5 W's 1 H का इस्तेमाल किया करो। और मैं आपको बता दूं स्क्रिप्ट लिखने का कोई समय नहीं होता। आपको हो सकता है आपके जब आप वॉशरूम में जाते हो तब माइंड में एक स्क्रिप्ट आ जाए, भाई कुछ पता नहीं, क्योंकि जो क्रिएटर्स होते हैं ना उनका मतलब माइंड उनका चलता रहता है कहीं ना कहीं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में किसी को देख करके एक स्क्रिप्ट याद आ गई, किसी को दो जनों को बात करते हुए कुछ टॉपिक्स वहां से मतलब मिल गया तो वहां से हमें एक स्क्रिप्ट, क्योंकि क्रिएटर्स का माइंड ऐसा ही होता है, वो किसी से भी सीख लेता है, चाहे कोई ट्रैवल कर रहा है या किसी से मिलने गया है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जब भी क्योंकि मेरा पहले ऑफिस होता है, ऑफिस के बाद मैं अपना वर्क करता हूँ, शूट करता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ। तो मेरा क्या होता है, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, मेट्रो में जाता हूँ या ई रिक्शा में जाता हूँ, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ पर मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं मेरे को भाई बहुत आइडियाज़ मिल जाते हैं यूट्यूब के। आप सोच रहे होंगे भाई यूट्यूब की वीडियो से देखने से आइडिया मिल जाएंगे, भाई मिलते हैं, लेकिन वीडियो को और अच्छा करने के लिए जो जैसा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम बताते हैं कि भाई हाँ इसके द्वारा है उसके द्वारा, तो आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाता है आपका जो हम बताना आपको चाह रहे हैं। तो मैं तो भाई जाता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ मैं लोगों को कि भाई लोग किस तरह से बात करते हैं, क्या उनका वे ऑफ टॉकिंग है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है, ये सब कंप्लीट मैं
ऑब्जर्व करता रहता हूँ। या मतलब ऑफिस में बैठ के कोई माइंड में कोई टॉपिक आ गया कि हाँ इस पर हम वीडियो बना सकते हैं, ये वीडियो हमारी चलती है, तो भाई मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल में जाता हूँ, व्हाट्सअप खोलता हूँ और मैं वहाँ पर रिकॉर्ड कर देता हूँ इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं या इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, तो भाई मैं क्या करता हूँ उसको लिख लेता हूँ। शुरुआत में मैं सोचता था कि अरे माइंड में है, शाम तक याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब शाम होती तो भाई वो भूल जाता हूँ मैं उसको, मतलब माइंड से ही निकल जाता है। मैं अगर जो कोई भी पॉइंट मतलब व्हाट्सअप, वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं व्हाट्सअप के अंदर रिकॉर्ड करके उसको डाल दूँ ताकि मैं शाम में जब स्क्रिप्ट लिखने बैठूँ ताकि मैं उसको सुन पाऊँ, तो भाई मैं वो सब सुनता हूँ, जब मैं उसको सुनता हूँ तो भाई मेरे को वहाँ से आइडियाज लग जाते हैं। तो भाई आप भी अपनी वीडियो में स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो अगर आपने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि भाई स्क्रिप्ट से बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट जाता है। क्योंकि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, पुरानी वीडियोस के अंदर मैं कोई भी एक टॉपिक ले लेता था और उसको कॉन्फिडेंसली बोल के चला जाता था, फिर मुझे कुछ टाइम के बाद जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, व्यूज आने लगे, तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगा नहीं भाई अब मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। तो मैं प्रॉपर अब स्क्रिप्ट लिख करके आपके सामने मैं बताता हूँ कि भाई मैं कैसे वर्क करता था और अब कैसे वर्क करता हूँ, कंप्लीट मैं यूट्यूब की टिप्स वगैरह के बारे में दे रहा हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, चैनल को लेकर के, थंबनेल्स को लेकर के, चैनल की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर आप जाओ, मेरे को डीएम करो, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूं भाई, मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। तो भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम जरूर करना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों मतलब आप चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे, या आप चैनल ग्रो कर पा रहे तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, थंबनेल्स नहीं बना पा रहे, या वीडियो एडिट नहीं कर पा रहे, या कंटेंट नहीं मिल पा रहा है आपको, तो भाई आप मेरे को डीएम करके बताओ, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझा देता हूं भाई, ये यूट्यूब की मैं अगर जो मैं टेक्निकल की बात करूं तो भाई टेक्निकल तो ऐसा होता है कभी कभी काफी लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है, जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनको कोई भी टॉपिक्स दो उनको स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो विदाउट स्क्रिप्ट के भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उनको स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, वैसे तो मतलब उनको भी चाहिए जो बड़े क्रिएटर्स हैं, क्योंकि भाई कभी कभी कुछ चीज हम नहीं बोल पाते जो हमें बोलनी होती है और हम उसकी जगह उसको मैनिपुलेट करके कुछ और बोल देते हैं वहां पर, तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम पड़ता है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है, जब हम स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं ना भाई, जब आप स्क्रिप्ट लिखने बैठोगे तो ये तीन बातें ध्यान रख लेना मेरी, जब आप स्क्रिप्ट लिखने बैठोगे ना भाई, एक तो गूगल, यूट्यूब और अपना माइंड, ये तीनों ओपन करके रख लिया करो भाई अपने सामने अलग अलग टैब में, ठीक है। यूट्यूब से आइडियाज लिया करो कि भाई स्क्रिप्ट कैसे लिखे, गूगल पे आप थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ा करो कि भाई किस वे में वहां पर स्क्रिप्ट लिखी जाती है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करोगे, अपनी इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करोगे अपनी वीडियोस के अंदर, तो भाई आपकी वीडियो को डेफिनेटली बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, आपकी वीडियो को लोग पूरा देखना पसंद करेंगे। तो ये सब चीजें अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर लाते हो तो भाई डेफिनेटली आपकी वीडियोस पर अच्छा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं मूवीज की या शॉर्ट फिल्म की या सीरीज की मैं बात करूं, तो भाई उसके अंदर स्क्रिप्टिंग बहुत खतरनाक लेवल से होती है भाई, उसके लिए कॉन्टेंट राइटर अलग से होते हैं भाई उनके, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ तो हम YouTube की लाइन में तो ऐसा है कि भाई हमें खुद एडिट करना होता है, खुद शूट करना होता है, खुद स्क्रिप्ट करना होता है, लेकिन अगर मैं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बात करूं, जैसे धर्मा प्रोडक्शंस हो गया या बालाजी प्रोडक्शंस हाउस हो गया, मतलब वहां पर क्योंकि वहां पर मूवीज बनती हैं, शॉर्ट्स फिल्म्स बनती हैं, म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, तो भाई उनको प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ती है, उनके पास टीम होती है पूरी स्क्रिप्टिंग की, उनके पास स्क्रिप्टिंग की टीम होती है, उनकी ड्रेसिंग क्या रखनी है, उनका फेस पे क्या मेकअप होने वाला है, क्या किस तरह के वो कॉस्ट्यूम्स पहनने वाले हैं, किस लोकेशन पे वो शूट होगी, भाई हर किसी का एक अलग अलग पार्ट होता है, ये हर जितने भी ये मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए सबके अलग अलग एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। और आपने देखा भी होगा जब एक मूवी बनकर तैयार होती है तो कितनी अट्रैक्टिव लगती है, मतलब उसका जो आउटपुट है थोड़ा अल्टीमेट निकल के आता है, वहां से जो रिजल्ट है बहुत अच्छा निकल के आता है, क्योंकि वो उस पे मेहनत करते हैं। तो अगर हम भी अपने YouTube वीडियोस बनाने में मेहनत करेंगे तो भाई हमारा भी आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।